दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने एक दुनिया का पहला रिन्यूएबल हाइड्रोजन पावर्ड एनर्जी सोलर सिस्टम बनाया है जो कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद 3 दिन तक बिजली दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बादल जैसा मौसम हो या फिर रात में बिजली की जरूरत हो तो सोलर सिस्टम तो काम करना ही बंद कर देगा। और इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी लेवो ने सोलर पैनल्स के साथ हाइड्रोजन बैटरी को भी कंबाइन कर दिया है, और ये इसलिए किया ताकि सूरज की किरणों को स्टोर करके रखा जाए। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यूज करता है, जिसमें पानी को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को स्प्लिट करने के लिए, जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जबकि हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है सॉलिड फॉर्म में एनर्जी जनरेट करने के लिए ताकि आग लगने की संभावना कम हो जाए। और इस प्रोडक्ट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 30 साल तक है, और साथ ही साथ इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये इनोवेटिव न्यूज कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।